नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज फिर से मैं आपको एक नए वीडियो के साथ में लाया हूं। तो हमारा YouTube चैनल बिजनेस आइडिया सीखो में आपका स्वागत है। और आज फिर मैं आपको नए बिजनेस आइडिया के साथ में आया हूं, नए तरीके का बिजनेस आइडिया के साथ में। जिस इस प्रोडक्ट का यूज़ आपको हर घर में होता है, आपको बचपन से लेकर लोग 55 तक इस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है, जो आप इस तरह का देखते होंगे कि मार्केट में नोटबुक मिलता है, कॉपी, जिसको हिंदी में कॉपी बोलते हैं, नोटबुक ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप इस तरह का नोटबुक आप इस मशीन से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मशीन का मेनली यूज़ होता है, सबसे पहले मैं आपको मशीन के बारे में बता दूँ। इसमें सबसे पहले पेपर कटिंग मशीन का यूज़ होता है, और इसमें पेपर स्टिचिंग मशीन का यूज़ होता है, और डाप्रेस मशीन का यूज़ होता है। सबसे पहले पेपर कटिंग मशीन जो किस लिए काम आता है, तो पेपर कटिंग मशीन जो दोस्तों काम आता है, इसमें आपको मेनली पेपर कटिंग करने का काम आता है। ये जो पेपर होता है, इसको कटिंग करने का काम आता है। फिर पेपर स्टिचिंग किस लिए काम आता है, तो पेपर स्टिचिंग देखिए, जैसे इसमें आपको पिन जो लगा होता है, इस कॉपी में देखिए आपको जो पिन लगा हुआ है, ये आपको ये पिन लगाने के लिए काम आता है। ये पिन जो लगा हुआ है, इसको पिन लगाने के लिए काम आता है। फिर डाप्रेस किस लिए काम आता है, तो डाप्रेस मशीन का काम होता है, जैसे आपका कॉपी बन के तैयार होता है, ये फैल जाता है, देखिए ऐसे फैल जाता है, इसको दाबने का काम आता है, जो आपको शेप मिल जाता है। ये तीन मशीन का आपको मैं बताया, जो आपको मात्र तीन मशीन लगा करके आप इस प्रोडक्ट को तैयार करके मार्केट में आप बेच सकते हैं। अब इसमें रॉ मटेरियल क्या यूज़ होता है, तो रॉ मटेरियल देखिए, सबसे पहले तो आपको इस तरह का पेपर यूज़ होता है, जो आपका हर तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ GSM में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको यह स्टिचिंग वायर यूज़ होता है, जो पिन लगाने का काम आता है, इस तरह से आता है, बंडल आता है इसका। उसके बाद आपको इस तरह का कवर आता है। आपको अगर कोई भी दोस्त भाई जो भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो वो अपने ब्रांड से अगर इस तरह से छपवाना चाहते हैं, देखिए जैसे ये स्कूल के नाम से छपा हुआ, तो इस तरह का अगर वो अपने नाम से छपवाना चाहते हैं, तो उनके नाम से भी छप जाएगा। किसी स्कूल के नाम से भी छपवाना चाहते हैं, तो वो भी छप जाता है। और अगर इस तरह से जैसे क्लास टाइम है, अगर इस तरह से वो दूसरे ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो इस तरह का ही बन जाता है। और इसके बाद रॉ मटेरियल हो गया। अब इसमें होता है सर कि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपको क्या मिलने वाली है। इसमें अगर मशीन तो आप लगा लिए, तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्या होता है, तो अगर सिंपल आप दोस्तों समझिए कि अगर आप 10 रुपये इस तरह का कॉपी मार्केट में जो बिकता है, आपको मात्र 4 रुपये में बन के तैयार हो जाता है, 3 रुपये 80-90 पैसे में ये आपको पूरा तैयार हो जाता है, लेबर कॉस्ट बिजली बिल सारा कंप्लीट करके। अब इसमें क्या करेंगे कि जैसे 4 रुपये आपका खर्च हो गया, तो अब ये रिटेलर के होलसेलर के पास जाता है, तो ये 4.5-5 रुपये में जाता है वहाँ। फिर होलसेलर रिटेलर के पास भेजते हैं, वो 50 पैसे 1 रुपये का मार्जिन लेकर के भेजते हैं, तो 6 रुपये में वहाँ चला गया। अब होता है रिटेलर होता है जो 3-4 रुपये के मार्जिन में हम आप जैसे कस्टमर लोग को बेच देते हैं, तो इसमें काफ़ी मुनाफा होता है इस प्रोडक्ट से। और आपको हर जगह इसका यूज़ है, क्योंकि कोई भी स्कूल में आजकल जाते हैं, तो स्कूल में भी देखते होंगे कि स्कूल में भी लोग कॉपी सलाह देते हैं पेरेंट्स लोग को कि नहीं, हमारा स्कूल का ही कॉपी चलेगा, तो वहाँ पर भी कॉपी का खपत ज़्यादा है। आजकल पढ़ाई लिखाई अपना देश है जो आगे की ओर बढ़ रहा है, तो उसमें भी लोग पढ़ने लिखने वाले ज़्यादा लोग हो गए, हर जगह हर गांव में हर मोहल्ला में लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, तो वहाँ पे भी खपत आपका ज़्यादा होगा रिटेलर शॉप से, जहाँ से स्टेशनरी शॉप है वहाँ पर से। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होगा। अब इसको आप सेल कहाँ करेंगे, सेल तो फर्स्ट आपको बता दिया कि अगर आपको स्कूल मिल जाता है, अगर 10 स्कूल आप पकड़ लेते हैं, तो आप एक छोटा सा मशीन, इतना कम बजट का मशीन लगा करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसको प्रॉफिट आप सेल करने जहाँ होगा, तो वो आपको प्रॉफिट तो होगा ही, तो आप प्रॉफिट इसमें बहुत बढ़िया है, और सेल भी बहुत बढ़िया है। स्कूल में पकड़ लीजिए, या स्टेशनरी शॉप खरीद ली, स्टेशनरी शॉप में बेच दीजिए, या आप कहीं भी हो सारा ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, इसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन साइट्स भी बहुत सारे हैं जो जहाँ कॉपी सेल होता है, या आप गूगल पर एडवर्टाइजिंग करके आप कर सकते हैं, तो हर तरह से आपको इसको सेल कर सकते हैं। और अब इसमें है कि अब इस मशीन का बजट क्या है, कीमत क्या है, तो आप इस मशीन का मार्केट में आपको लगभग 1,40,000 से मशीन लेकर के स्टार्ट है, तीनों मशीन का सेटअप स्टार्ट है। बाकी आपके जैसे जैसे बजट जाता है, आपको इसे और हाई बजट का लेना है, इसे और हाई बजट का लेना है, तो आपको उस तरह का आपको ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आपको मिल जाएगी। अब इसको आप मशीन कहाँ से खरीदें, तो आप इस मशीन को, कंपनी है बिहार में, पटना में है कंपनी, दिल्ली में है कंपनी, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। बिहार में आप
अरमाइंड इंडस्ट्रीज कंपनी है, वहाँ से खरीद सकते हैं। ये दिल्ली में एसवी इंजीनियरिंग है नांगलोई में, वहाँ से खरीद सकते हैं। अब बनारस में आपका लघु उद्योग वाराणसी है, वहाँ से आप मशीन खरीद सकते हैं। तो ये आपको बाकी एड्रेस सेलर का आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया जाएगा, आप वहाँ से मशीन खरीद सकते हैं। और आपको रॉ मटेरियल भी आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, जो जहाँ जहाँ मैं आपको एड्रेस दिया हूँ वहाँ से आप रॉ मटेरियल भी खरीद सकते हैं। वहाँ से रॉ मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, सारा रॉ मटेरियल मिल जाएगा। तब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसमें कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, ताकि और हम इसमें जानकारी आपको शेयर कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद।